नारी शक्ति संगम भारत के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भूमिका व योगदान विषय के तहत महिला कल आज और कल का आयोजन किया गया। सतलुज सेवा ट्रस्ट की ओर से नारी शक्ति संगम का जिला स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में साध्वी कल्याणी गिरी, वक्ता प्रोफेसर सूर्या रश्मि व मुख्य अतिथि के रूप में मोनिका ने शिरकत की। इस दौरान भारतीय प्राचीन इतिहास, भारत को आजादी दिलाने सहित आज के समय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आज के समय में भी महिलाएं किस तरह से भारत के विकास में योगदान दे रही हैं वो बताया गया। डॉक्टर ऋचा राणा, मैं आज के इस कार्यक्रम की जिला संयोजिका हूं और ये कार्यक्रम हम भारत के सर्वांगीण विकास में महिलाओं के योगदान को लेकर आज यहाँ आयोजन किया है और इसका आयोजक सतलुज सेवा ट्रस्ट है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन यहाँ आज किया है। और इसमें हमारे पास आज ये कार्यक्रम में हमने पूरा ज़िला कांगड़ा से महिलाओं को यहाँ एकत्रित किया है और हमारे साथ 3 सत्र इस कार्यक्रम में होंगे, जिसमें हमारे साथ 3 वक्ता जुड़े हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सूर्य रश्मि आई हैं, हमारी मुख्य वक्ता साध्वी कल्याणगिरी जी हैं जो कि शिमला काशी अखाड़े से आती हैं और वैसे वो मूलतः हिमाचल से ही हैं, वो एक सत्र लेंगी। और उसके बाद मोनिका जी हैं जो धर्मशाला से हैं और वो एक आर्टिस्ट हैं, कल्पवृक्ष करके एक म्यूज़ियम चलाती हैं। तो ये तीनों एक सत्र यहाँ लेंगी और इस तीनों सत्र में हम महिलाओं की कल, आज और कल, जो हमारा टॉपिक भी है, उस पर चर्चा होगी कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन किस तरह से समाज में रहा है और किस तरह से आने वाले समाज में वो और इसमें अपनी भागीदारी दे सकती हैं।